घर से आए कोई पता नहीं, फिर से लौट के घर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये ऊपर वाले के हाथ में। सर्दी से मर गया था ये। देखो तीन चार कंबल, दो कंबल ले लाए थे। अकेला हूँ ना भाई, अकेला मजा नहीं आ रहा भाई। ऐसा नहीं है साइड वगैरह देखने की, बट फिर भी तो गाइस ना आज तो शुक्र अल्लाह का कि इस पे पानी नहीं है, नहीं तो ये वाली जो लिंक रोड है ना बड़ी मुश्किल वाली है। जाऊंगा ना तो वहां पे ये हीटर मुझे याद आएगा, है ना साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दीबू खान। होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि गाड़ी अपनी पार्क करके एडजस्ट में आ गए, तो आज मैं तीसरे दिन फिर व्लॉग शूट कर रहा हूँ। गाड़ी वगैरह खाली हो गई थी क्योंकि उधर कैमरा अलाउड नहीं है भाई, मतलब FCI है जो, उसमें कैमरा अलाउड नहीं है। सो वो व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं। सो आज जा रहे फिर, तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल कर दें सब्सक्राइब, इंस्टा फेसबुक पेज भी कर दें फॉलो, और आपका भी ज्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू। तो सीन ऐसा है भाई, आज वापस जा रहा हूँ मैं, तो अभी फिलहाल गाड़ी वहीं पे है FCI में, और अपने साथ बिलाल भाई ड्रॉप करने जाएंगे एंड साहिल भाई, तो फिर देखते हैं वहाँ से सुपर मंडी वगैरह जाएंगे, देखते हैं कहाँ की लोडिंग मिलती है कहाँ की नहीं। फिलहाल तो कर दिया अपना सफ़र आज का यहाँ से कंटिन्यू। और साहिल भाई ये देख रहे हो आगे बिल्डिंग, यहाँ पे भाई अपनी जो यादें ना अच्छी वाली वो पूरी इस गेट से अंदर है। ये वाली गेट दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट मॉडल है, मॉडल आज मुझे नाम भी भूल गया, मॉडल स्कूल था हमारा, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल आरा गांव। सो यही वाला भाई वो स्कूल है जहाँ पे हम पढ़े लिखे। तो चलो अब पहुँचते हैं जल्दी से गाड़ी में, वहीं पहुँच के आपको मिलते हैं। बाकी अपनी कौन सी गाड़ी है भाई, टियागो है। ओहो भाई साहब ने हीटर लगा के रखा है, अब जब मैं ट्रक में जाऊँगा ना तो वहाँ पर ये हीटर मुझे याद आएगा, है ना साहिल भाई। तो पहुंच आए गाइस गाड़ी में, सो अकेला हूँ भाई, बैग रख दिया एंड सर्दी भी ना नेक्स्ट लेवल वाली है। सो गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट पे रख ली थी, तो अपने जो ओनर साहब थे उनसे भी परमिशन वगैरह बोला कि जाओ अल्लाह के हौले। तो अब जाते हैं भाई पहले छिलवत, वहाँ डालना है गाड़ी में, टैंक कराना है फुल, क्योंकि तेल देख रहे हो कम है, टैंक फुल करा के उसके बाद पटन साइड जाना है लोडिंग करने, और शोकत भाई देखते हैं कब आएंगे, फिलहाल तो अकेला ही हूँ भाई। तो चलो लेते हैं अल्लाह का नाम और शुरू करते हैं अपना नया ट्रिप यहाँ से, और दुआ में याद रखना अपने दीबू भाई को, बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गाइस ना आज तो शुक्र अल्लाह का कि इस पे पानी नहीं है, नहीं तो ये वाली जो लिंक रोड है ना बड़ी मुश्किल वाली है, मतलब और पूरी ना उतराई है इसमें, फुल उतराई, बहुत मुश्किल होता है इस पे गाड़ी जब मौसम खराब हो ना, तब बड़ा मुश्किल, और आगे से अगर कोई गाड़ी आ जाए फिर तो बात ही नहीं है। देख रहे हो कंट्रोल ही नहीं हो रही है भाई गाड़ी, मतलब खाली गाड़ी है ना, सो उतराई ज़्यादा है। तो चलो मेन रोड पे पहुंचते हैं, वहीं पे मिलते हैं। तो चल रहे हैं भाई, फिलहाल तो पहुंचा है सफापोरा, सो आगे जाऊंगा सिलवत, वहां पे डीजल कराते हैं फुल। बाकी अकेला हूं ना भाई, अकेला मज़ा नहीं आ रहा भाई। ऐसा नहीं है साइड वगैरह देखने की, बट फिर भी यहाँ छोटा रोड है, इस पर साइड देखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देख रहे हो जैसे आगे से गाड़ी आई भाई, इधर एडवांस में रुकना है, ये वाला सीन है हमारे रोड पे, देख रहे हो। पहुँचा है सिलवत पेट्रोल पंप पे, सो कर रहे हैं टैंक अपना फुल, ये भी जैसे लखनपुर में जो पंप है वैसे ही, इधर भी विदाउट कैश, कैश एक दो महीने के बाद खुद ओनर साहब देते हैं। अभी तो आज तो बहुत तेल जाएगा, अभी 11,000 हुआ है और टैंकी अभी आधी पूरी आधी है ना, अभी बात ही नहीं है, वेट करना है वेट। कारू वाले जितने जितना हमारा गिरता है इतना कारू वाले टैंकी में भरते हैं, है ना, सही है ना, आपको पता होगा ना, आप रोज डालते हैं। तो करा दिया डीजल अपना फुल, देख रहे हो अभी टैंक एफ पे है भाई पूरा। तो अभी जा रहा हूँ भाई सुपर साइड जाना है, बट यहाँ से मैं वापस आया यू टर्न करके, अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा भाई सिलवत से, जो कि काफ़ी टाइट रोड है, सुनने में आया ऊपर से अकेला हूँ ना तो वो सीन है, थोड़ा गाड़ी वगैरह आगे से आ जाए ना, कहीं टाइट वगैरह जगह हो वहाँ पर मुश्किल होता। बाकी बस दुआ होनी चाहिए इंशाल्लाह सही होगा सब जो होगा। चलो चलते हैं फिर, पहुंचते हैं जल्दी जल्दी अब लोडिंग पॉइंट पे।
जैसा कि मैं बता रहा था कि रास्ता बिल्कुल सिंगल है, देख रहे हो। अब बाइक आई आगे से, देखना भाई पूरा जीरो करना है और उसको भी बेचारे को रुकना है, फिर मैं निकलूंगा। अब गाड़ी आई तो अब तो पूरा ही रुकना पड़ेगा। ये वाली है अंदर से है भाई, शिलवत से अंदर से रोड है जो के जाके निकलेगी बारामूला वाली हाईवे पे। सोदरी से मैं चला जाऊंगा बटन। तो फिलहाल पहुंचते हैं मेन रोड पे, फिर एक ही बार मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लग चुके हैं बारामूला वाले हाईवे पे भाई। सो आगे बटन में फिर से मुझे मतलब अंदर गांव वाले रोड पे चला जाना है। सो फिलहाल तो ठीक रोड है, तो आगे गांव वाले रोड पे फिर तो लेबर वगैरह भी साथ होती है, बाकी जाके तरपाल खोलना। चलो देखते हैं लोडिंग का क्या रहता है, कब होगी, कहाँ की होगी, अभी बाइक गार्ड कोई पता नहीं है कहाँ की है। फिलहाल जाते हैं गाड़ी लगाते हैं नंबर पे अपनी। बस भाई अपनी भी सेम यही लाइफ है भाई, जैसे कि इंडियन आर्मी वाली लाइफ है ना। बस इतना है क्या भाई, इनको जो मतलब बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, बाई चांस डेथ वगैरह होगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक। पर जो ड्राइवर है ना भाई, मतलब जैसी मेहनत ये करते हैं वैसी ड्राइवर भी करते हैं, ना रात ना दिन। बट सैलरी ड्राइवरों को कम, कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कुछ और कुछ नहीं, एक्सीडेंट के बाद कुछ नहीं। सो मतलब क्या ही बोलें, घर से आए कोई पता नहीं, फिर से लौट के घर जाएंगे या नहीं जाएंगे ये ऊपर वाले के हाथ में भाई। बस भाई टाटा गाड़ी वाले यहाँ पे भी हैं, जाम तो पक्का लगाना है इन्होंने। तो ये बटन पहुँचा है फिलहाल, तो कर दी गाड़ी फिलहाल पार्क। सो देखते हैं अब कब तक आएगा फ़ोन के, आ जाओ भाई लोड करने को। फिलहाल मैं खाता हूँ खाना भाई, ये भूख लग गई है काफ़ी ज़्यादा। सो अपना कौन बनाएगा, होटल ही से खाते हैं। तो फिलहाल तरपाल वगैरह ऐसे ही रखा है क्योंकि अकेला हूँ, जब लोडिंग का कन्फर्म होगा तब खोलूँगा। अगर लोडिंग का कन्फर्म नहीं होगा तो रात को अगर बर्फ़ पड़ गया पूरी बाड़ी गीली हो जाएगी। सो पहले खाते हैं खाना ही। हो चुका है अपना खाना, आ गया वापस गाड़ी में। सो सर्दी की वजह से भाई गैस जलाया मैंने गाड़ी में, क्योंकि काफ़ी दिनों से गाड़ी खड़ी थी तो केबिन पूरा ठंडा हो रखा था। सो फिलहाल गैस जलाया बैठा हूँ भाई, माइनस चल रहा है आज श्रीनगर में। धूप तो बाहर है बट धूप के कोई असरात नहीं है। देखते हैं लोडिंग का भी क्या रहता है, फिलहाल तो 2:30 बज रहे हैं, कोई अभी कोई बुलाया हुआ बुलावा नहीं आया कि आओ भाई लोड करने। सो देखते हैं क्या रहता है। तो शाम हो रही है, बैठा हूँ अकेला बैठा हूँ, बट अकेले बंदे को ना मज़ा नहीं आता भाई, अकेला ही बैठा हूँ। सो मैंने रख दी, मैंने सोचा गैस जल नहीं रहा है सो दाल रख देते हैं भाई, मतलब जो राजमा दाल होती है, राजमा दाल ना भाई ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने सोचा रख देते हैं, दाल भी बनेगी सो गाड़ी में गर्मी भी रहेगी। तो अब जाता हूँ बाहर भाई, लाता हूँ वाटर बॉटल जिसमें पानी गर्म करके और रख देंगे, कांगड़ी का काम देगी वही, बट ना रिस्क है इतना ना कुछ, और इजी है ना, मतलब पानी गर्म करो डालो। कांगड़ी रखते बट आग का थोड़ा इशू रहता है, आग कहाँ से लाएंगे, और कोयला तो रख सकते हैं बट वो घर पे ना वो लड़कियों को आता है बनाना भाई कांगड़ी वगैरह, हमने तो बनाई नहीं है कभी। सो जाता हूँ चाय भी पीता हूँ और पीने के लिए पानी भी लाता हूँ और वाटर बॉटल भी लाता हूँ। सो मिलते हैं आपको फिर ही थोड़ी समय बाद, बाकी शीशे देख रहे हो आप। तो चलो आज तो लोडिंग 110% नहीं होगी भाई, तो कल बता रहे शौकत भाई मैं भी आऊँगा, मैंने बोला ठीक है आज आप रुको घर क्योंकि लोडिंग नहीं होगी, क्या फ़ायदा मैं अकेला ठीक हूँ करना कुछ नहीं है। तो कल इंशाल्लाह लगा देंगे लोडिंग के लिए, दूसरी दो गाड़ियाँ तो हो रही हैं जो साथ में वहाँ से आई थी, तो इंशाल्लाह ऐसा लगता है तीनों गाड़ियाँ फिर साथ जाएंगी, उम्मीद तो ऐसी ही है, बाकी किस्मत की बात है। माशाल्लाह भाई कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा अजान दे रहा है, माशाल्लाह क्या आवाज़ है भाई, वाह माशाल्लाह। तो आ गया चाय पी के, बट बोतल नहीं मिल रही है भाई और जाम लगा हुआ है, और कुछ भाई तो लोड करके निकल गए, जाओ भाई और अल्लाह के हवाले हम भी आएंगे बस लोड हो जाए। तो आगे वापस गाड़ी में, और बोतल जो मिल गई भाई, वाटर बोतल है ना भाई जो ये मिल गई, क्योंकि सर्दी काफ़ी है
सो अब एक दो लीटर पानी गर्म करके इसमें डाल देना है, फिर बंद कर देना है। पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग जिसे बोलते ना वो करनी है, वो करता हूँ मैं पहले अनबॉक्सिंग इसकी। ये रही जी अपनी वाटर बोतल भाई साहब, इससे जो खुशबू आ रही है ना नेक्स्ट लेवल वाली। तो चलो करते हैं पानी गर्म मस्त भाई, इसमें खूब गर्म पानी करके फिर सर्दी नहीं लगेगी। अराउंड अगर मैं इसको 10 बजे के करीब गर्म करके पानी रखूंगा और मॉर्निंग तक इसमें पानी गर्म ही रहेगा। तो चलो सब्जी वगैरह भी बनाते हैं, अकेले बनते हैं भाई। तो राजमा अपनी बन रही है भाई, मुझे मतलब आती नहीं है बनानी, बस ठोकर भाई से पूछा घर पे पूछा, क्योंकि सब्जी के मामले में ना भाई बिल्कुल वीक हूँ मैं बनाने में। बस अब जब सर पड़ जाती है तो बनानी पड़नी पड़ती है। अब मैं होटल से कहा था, बट मैंने सोचा गाड़ी में ना थोड़ी गर्मी वगैरह भी हो जाएगी। तो चावल फिलहाल इसमें रख दिए साफ करके, थोड़े समय में धोता हूँ जैसे ही ये रेडी हो जाए अपनी सब्जी। तो फिर देखते हैं भाई, अकेला हूँ ना, आंखें देख के ये मत सोचना कि भाई रो रहा है, रो नहीं रहा भाई, प्याज काट रहा था ना, प्याज काटने से मतलब चलो उसी बहाने मन भी थोड़ा हल्का हो गया हंसी निकलने से, ठीक है। तो अकेला है भाई, ऊपर से टोपी से ना बाल देख रहे हो पूरे अजीब से हो गए। तो कल देखता हूँ भाई, गर्म पानी अगर बाई चांस मिलेगा सो फ्रेश होऊंगा अच्छे से, नहीं तो टेम्परेरी भाई वो बच्चों की तरह ना हाथ भी कहो के थोड़ा सा ई बस इतना भी चलेगा भाई, बाकी टनल वगैरह पार करके अच्छे से नहाएंगे। तो शौकत भाई इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, देखते हैं फिर क्या। तो पहले सब्जी वगैरह रेडी हो तो फिर खाना खाने के समय आपको मिलते हैं किस बार। सो फाइनली गाइस बज रहे 10, तो अब खाऊंगा भाई खाना में, ठीक। तो चावल कुछ इस तरह के बने भाई, एंड अपनी जो राजमा है ना भाई, ये अपनी राजमा है भाई, थोड़ी सी मैंने बनाई है क्योंकि अकेला बंदा हूं, मुझे तो मस्त स्मेल आ रही है भाई, वाह भाई। तो खाता हूँ पहले खाना, उसके बाद मिलता हूँ। और बोतल के लिए पानी भी लगा दिया इसमें। तो बाकी अकेले हैं तो क्या गम है। अब जो सबसे मुश्किल वाला काम है ना भाई, ये गर्म पानी इसमें भरना। सो उसके लिए मेरे पास जग है भाई, ठीक है। तो जग से डालते हैं। तो सीन ऐसा हुआ गाइस, अब यहाँ से मुझे सुपर मंडी के लिए निकलना है, तो पानी वगैरह भर के इधर रखती है फिलहाल। सो अभी शौकत भाई की आईफोन जो गाड़ी के ओनर है भाई, बता रहे कि आप सोपर जाएं तो वहीं पे आपकी लोडिंग होगी कल शायद। तो मैं जाऊंगा मंडी, तो पहले करता हूं गाड़ी 5-10 मिनट कोल्ड स्टार्ट, देखते हैं आप गाड़ी कैसे होगी स्टार्ट भाई, एक ही सेल्फ पे होगी कि थोड़ा लेट होगी। बिस्मिल्लाह देखते हैं भाई, क्योंकि माइनस चल रहा है। ओ भाई साहब भूख तो गई, बट थोड़ा जोर सा लगा गाड़ी को। तो चलो निकलते हैं फिर आगे की ओर, लिफ्ट तो उठा लेते हैं ना, क्योंकि लिफ्ट से बगैर ही चलेंगे। बाकी 10-15 मिनट गाड़ी रखी स्टार्ट, तो इस समय ना रोड पे देख के चलना, जहाँ भी पानी होगा वहाँ पे पूरी आइस जमी होगी, और बिल्कुल मतलब गाड़ी को दबाना नहीं है, आराम आराम से अपनी मर्जी से गाड़ी घेर ले तब ना। देखो अभी मैंने 2 नंबर लगाया, अब अपनी मर्जी से गाड़ी जब गेयर मांगेगी, जैसे अब मांगने लगी सो फिर गेयर देना है मुझे आराम आराम से, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं भाई उनमें भी आइस जमी होती है, मतलब हार्ड बने होते हैं, सो उसमें बहुत खतरा रहता है। तो ये वाला जो अंदर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ब्लू कलर वाला बोर्ड, यहाँ से अंदर गोश बुक के लिए जाते, बाकी ये सोपर मुजफ्फराबाद के लिए हाईवे है। तो चलो पहुँचते उधर ही, एक ही जगह मिलते, क्योंकि नाइट के समय ड्राइविंग कर रहा हूँ खुलस रोड पे, कोई भरोसा नहीं है किस जगह आइस हो सकती है, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना मना है। अंधेरी रातों में शमशान घाटों से जा रहे हैं भाई, बिल्कुल अंधेरी रात है और हम भी चल रहे हैं। सो आगे कुछ ही दूरी पे ना मेरे को राइट लेना है भाई, राइट लेने के बाद फिर 1-2 किलोमीटर चलने के बाद फिर लेफ्ट लेना है भाई, पहले चुंगी भाई चुंगी देनी है, उसके बाद जो छोटा टोल प्लाजा है यहाँ का, फिर पहुंच जाएंगे हम अपनी डेस्टिनेशन। आया मैं भाई मंडी। सो अपनी गाड़ी, मैंने बोला आप इंडिकेटर वगैरह कुछ जलाओ, तभी वो देख रहे हो वो है अपना अरफान भाई। अब मैं गाड़ी उधर ही लेके लगाऊंगा अरफान भाई के पास, और ये अपनी एप्पल टावन सोपर वाली भाई मंडी, और वो रही अरफान भाई की गाड़ी जिसकी लाइटें चल रही हैं। सो अब लगाता हूँ इसी की गाड़ी के पास, अब देखता हूँ जगह किस साइड में अच्छी है, तो अब अच्छा फील होगा भाई, थोड़ी गपशप लगाएंगे ना।
बट गाड़ी लगाने की जगह तो होनी चाहिए, अरे है ही नहीं है, कैसे लगाऊं? पहुंचा है अरफान भाई के पास, देख रहे हो बुरी हालत हो रखी है। शुक्र कर रहा है मैं आ गया ना, सर्दी से मर गया था ये। देखो तीन चार कम्बल, दो कम्बल ले लाए, एक कम्बल लाए ये वाली, दो ये वाली कितने की? लेकिन महंगी देते हैं इधर ना, मजबूरी का फायदा उठाते। तो भाई अकेले ही बैठे थे यार, यहाँ पहुंचे बहुत सर्दी से यार। सो मुझे सर्दी इतनी नहीं लगी है भाई, एक हाथ मेरा जो ना बस इसमें थोड़ी सी सर्दी, वो भी गाड़ी चला रहा था तभी। तो अभी अच्छी लग रही है, तो अब ना एक काम करेंगे, दोनों भाई एक साथ सो जाएंगे, क्योंकि दोनों साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। काफी ज्यादा सर्दी से आज मरने का खतरा भी रहता है ना भाई, मतलब सो गए तो सो ही गए। पिछली बार देखा वो टेम्पो, गाड़ी लोड कितनी हुई? 250 हुआ, मुझे तो कुछ नहीं है, इंशाल्लाह देखते हैं हमारा भी क्या रहता है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।